हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिरजू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बिरजू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इस सेशन में फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है बीएचयू एंट्रेंस के लिए और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि बीए एंड सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज मेरे चैनल पे ऑलरेडी जा रही है और लोग उसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। एजी की बहुत सारी इंक्वायरी आई है थ्रू द टेक्स्ट मैसेज, थ्रू द व्हाट्सएप एंड मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो केमिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी जा रही है, जा चुकी है, आप उसको चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अभी केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ाना नहीं हुआ है लेकिन सिलेबस और क्वेश्चंस बहुत सारे गए हुए हैं। एजी की क्लासेस की आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो एजी का पोर्शन है जहां पे 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले जो बीएचयू बीएससी एजी का जो पैटर्न है उसको मैं समझा दूं तो ये 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो ये होता है 100। कितने होते हैं? 100, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में आपके 25 क्वेश्चन मेंटल बेंडिंग होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके होते हैं केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन आपके होते हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। एग्रीकल्चर ये ऑप्शनल है, मींस इसके साथ आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे मैथ, और इसके साथ आपको एक और ऑप्शन मिलेगा बायोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको कोई एक चूज करना होता है, तो मेरा मानना है कि आपको एग्रीकल्चर चूज करना चाहिए। उसका ऑप्शन, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सबसे पहले लिखे हुए जितने सिलेबस है ऐसे ही 9 भी और है, लगभग 15 से 18 चैप्टर है इस एग्रीकल्चर के, उसको हम पूरा डेली रूटीन पे आपको देने वाले। और अगर आप इन सभी चैप्टर के लेक्चर आप देख लेते हो तो ये जो 50 क्वेश्चन का एग्रीकल्चर का पोर्शन है 100% आप इसमें से 40+ 45+ में चले जाओगे। अगर अपनी भी नॉलेज जोड़ देंगे आप तो 50-50 भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोग मैथ बैकग्राउंड से है वो भी एग्रीकल्चर का पोर्शन चूज कर सकते हैं, जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से है वो भी एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। तो क्यों ना आप एग्रीकल्चर पोर्शन चूज कीजिए, क्योंकि उसकी पूरी फुल वीडियो आपको मिलने वाली है। ये अनलिस्टेड होगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपना नंबर और नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करना पड़ेगा जिससे कि मैं आपको ये वीडियो शेयर कर सकूं, ठीक है। अब आगे की क्लासेज जो सर एग्रीकल्चर की क्लास आपको लेने वाले हैं वो डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, आप उन्हें कॉपरेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखिएगा और जितने चीजें पढ़ाएंगे उसका नोट बनाइएगा, ओके। चलिए सर आप आइए। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि बीएचयू पाठशाला काफी दिनों से फ्री ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है जिसमें से बीए और सोशल के लिए क्लासेस जा रहे हैं, तो आज से हम लोग बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्लासेस शुरू करेंगे। तो जिसमें हम लोग बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में जैसे उन्होंने बताया कि 5 पोर्शन होते हैं जिसमें से 2 पोर्शन कंपलसरी होते हैं, जिसमें से है मेंटल एबिलिटी जो 25 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन है, ये सबको करना होगा। चाहे आप जो 3 पोर्शन और है उनमें से किसी को चूज कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर एजी चूज करते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट होगा और यहाँ से जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे वहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। तो आज हम बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के पार्ट 5 एग्रीकल्चर पोर्शन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स को हमको कैसे पढ़ना है। और अगर हम पिछले ईयर के पेपर का भी डिस्कशन करेंगे कुछ वीडियो में और वहाँ से हम लोगों को कैसे क्वेश्चन अपने सिलेबस को तैयार करना है, अपने कोर्स को तैयार करना है और बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस को। तो इसमें हमको सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस में जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना होता है। तो दोस्तों जनरल एग्रीकल्चर में कुछ नहीं है, इसमें जो भी पढ़ना होगा तो इसमें जो सारे अन्य टॉपिक हैं उनको, उनमें से जो छूटा हुआ पोर्शन है आपका वही जनरल एग्रीकल्चर में आ जाता है। मेनली जो जनरल एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इंस्टीट्यूशन से जो संस्थान है जैसे कि IISR जो लखनऊ में है, इस तरह बहुत सारे संस्थान है उनसे लगभग हर साल, हर एक वर्ष से बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है IARI कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो IARI नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। इसी प्रकार बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं जो कि जनरल एग्रीकल्चर से आते रहते हैं। और अगला अगर हम टॉपिक की बात करें तो एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी मतलब जिसको अगर हिंदी में कहें तो सस्य विज्ञान। इसमें हम एग्रोनॉमी में जितने भी क्रॉप्स हैं, आपके जो सीरियल्स हैं जिसको एडिबल क्रॉप्स हैं उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस एग्रोनॉमी में हम किन किन क्रॉप्स का अध्ययन करेंगे।
जिसमें से जो पहला क्रॉप्स होगा वो सीरियल्स है। इसमें 6 से 8 क्रॉप्स हैं जिनका नाम तो इस वीडियो में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम एग्रोनॉमी आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे तो गहराई से पढ़ाएंगे कि वो 6 से 8 क्रॉप्स कौन से हैं और उन क्रॉप्स के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अगला जो इसमें एग्रोनॉमी में जो अगला टॉपिक होगा वो पल्स क्रॉप के बारे में आपको पढ़ना होगा। पल्स क्रॉप मतलब कि लगभग सारे फेबेसी फैमिली के जो भी क्रॉप है वो पल्स क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी आपको 6 से 8 क्रॉप के बारे में पढ़ना होगा और उनमें उनका क्या पोटेंशियल नेम है, उनका क्या क्रोमोसोम नंबर है, उनका क्या फैमिली है, उनका क्या ओरिजिन प्लेस है और बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपको पल्स क्रॉप के बारे में जानना होगा। साथ में ही जो अगला इसका टॉपिक होगा एग्रोनॉमी का वो ऑल सीड क्रॉप है। इसमें भी सिमिलर वही जानना है कि उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसका पोटेंशियल नेम क्या है, उसका फैमिली क्या है और साथ में इसका सीड रेट, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एग्रोनॉमी में पढ़ना होगा और वो सारी क्रॉप्स के लिए एक लिमिटेड है कि आपको उस क्रॉप में क्या क्या पढ़ना होगा। वो सारे डिस्कशन आपको अगले वीडियो में मिलते जाएंगे जिसमें कि हम एग्रोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें और जो क्रॉप है उसमें से फाइबर क्रॉप है, शुगर क्रॉप है और एक दो क्रॉप है जिसके बारे में आप लोग एग्रोनॉमी में अध्ययन करेंगे और ये सारे डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते जाएंगे। जो अगला जो टॉपिक है जो बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस में जहां से क्वेश्चन 1 से 2 आते रहते हैं वो है वीट साइंस। तो वीट साइंस से इसको अगर हिंदी में कहें तो खरपतवार विज्ञान इसको कहते हैं हिंदी में। वीट साइंस से लगभग प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन आता है जो कि सन 2018 में एट्राजीन पूछा गया था जो कि वीट साइंस से ही है और इससे और सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ वेट साइंस कहाँ स्थित है। ये जबलपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1989 में स्थापना हुआ था जिसको कि 2009 में डायरेक्टरेट के रूप में बना दिया गया है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे फादर ऑफ वेट साइंस कौन है, तो फादर ऑफ वेट साइंस आपका जेथ्रो टूल है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेट साइंस में जो कि आप अगले वीडियो में आप देखेंगे कि जब हम वेट साइंस के बारे में गहराई से बताएंगे कि इसमें क्या क्या और पढ़ना है वो सारी चीजें आपको वेट साइंस में मिलते जाएंगे। और जो अगला जो टॉपिक है वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में आपको जो पढ़ना है वो आपको क्लियर कर देते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब कि अगर हिंदी में कहें तो ये उद्यान विज्ञान होता है। इसमें आपको 3 पार्ट के रूप में इसको पढ़ना होगा। जो पहला इसका पार्ट है वो पोमोलॉजी है, जो हॉर्टिकल्चर है उसमें से 3 पार्ट के रूप में जो क्रॉप्स है उसको 3 पार्ट के रूप में डिवीजन किया गया है। जो पहला है वो पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी दोस्तों कुछ नहीं है, वो फ्रूट विज्ञान है जिसमें हम फलों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो पोमोलॉजी है इसमें 8 से 10 फल जैसे कि आम है, पपीता है, अमरूद है, अंगूर है, आंवला है, बेर है और बहुत सारे जो फल है जिसका हम ऐसे तो जनरल रूप में हम परिचित हैं, लेकिन जो इस पोमोलॉजी में पढ़ेंगे वो थोड़ा उनके बारे में हमको साइंटिफिक अध्ययन करना होगा जहाँ से क्वेश्चन बीएचयू में पूछे जाते हैं। जो अगला इसका हॉर्टिकल्चर का जो टॉपिक होगा जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं वो वेजिटेबल है, इसको ओलेरिकल्चर के रूप में पढ़ा जाता है। और इसमें जो क्रॉप्स पूछे जाते हैं वो पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है, कुकुरबिटेसी क्रॉप है, गोल क्रॉप्स है, रूट क्रॉप्स है, ट्यूबर क्रॉप्स है और बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि आप लोग ओलेरिकल्चर में पढ़ेंगे, वो सारे वेजिटेबल्स हैं। जो अगला क्रॉप जो हॉर्टिकल्चर में अगला पोर्शन होगा वो आपका फ्लोरिकल्चर होगा जिसमें से लगभग फूलों के बारे में अध्ययन करना होगा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। केवल आपका रोज से, गुलाब से, गेंदा से और एक आध दो फूल है जिनसे 1-2 क्वेश्चन तभी कभी नॉर्मली पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। जो मेनली आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ना होगा वो आपका पोमोलॉजी और वेजिटेबल के बारे में पढ़ना होगा। जो आपका अगला टॉपिक है वो बॉटनी है यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसमें आप लोगों को वनस्पति के बारे में समझ कर ऐसा लगा होगा कि आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें कतई आपको बायोलॉजी में कुछ लिमिटेड जो ये बॉटनी है उसमें कुछ लिमिटेड चीजें हैं वही आपको पढ़ना होगा। बॉटनी में आपको ज्यादा कुछ नहीं,
आपको जो पेड़ पौधों में रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, और एक आध दो टॉपिक है जैसे सेल डिवीजन है, मियोसिस माइटोसिस में कैसे कैसे चरण होता है, कैसे होता है, उसका क्या महत्व है प्लांट्स में, ये सारे क्वेश्चन ये आपको बोटनी से मिलेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, चार पांच टॉपिक है जो की आपको बोटनी पोर्शन में पढ़ना होगा। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक है जो बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं वो सीड टेक्नोलॉजी है। इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर है और पूछे जाने की संभावना है। सीड टेक्नोलॉजी यानी कि बीज के संबंध में जो भी रिसर्च होते हैं उनकी क्या वेराइटी है, बीज के कौन कौन से सीड के कौन कौन से प्रकार है, उन सब का अध्ययन आप सीड टेक्नोलॉजी में करेंगे। जैसे कि सीड चार पांच प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड और एक सर्टिफाइड सीड, और ऐसे बहुत सारे जो सीड हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे आप सीड टेक्नोलॉजी में। एनएसपी एमएसपी जो है सीड के संबंध में जो रिसर्च होते हैं उनको कहां से अप्रूवल मिलता है, वो सारी चीजों के बारे में अध्ययन आप सीड टेक्नोलॉजी में करेंगे। जो आपका अगला टॉपिक होगा वो जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स है, तो इसके बारे में आप परिचित होंगे कि क्या जेनेटिक्स है, लेकिन आप लोग ये न परिचित होंगे कि जीनोमिक्स क्या है। इससे बीएचयू में प्रीवियस ईयर में दो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको जब हम बीएचयू अगले क्लासेस में अगले वीडियो में जब हम जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जीनोमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, वो दो क्वेश्चन कौन से हैं जो कि ये जीनोमिक्स से पूछे गए थे। जेनेटिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो जेनेटिक्स के फादर आपके मेंडल जी हैं, उन्होंने पी में रिसर्च किया था। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने फील्ड पी में रिसर्च किया था या वेजिटेबल पी में, तो ये सारे क्वेश्चन का आपका जवाब ये जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में पूछे मिलेगा। और ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लगभग बीएचयूबीएससी एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं आपके दिनों से, तो इनके बारे में आपको अध्ययन जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में करना होगा। जो आपका अगला टॉपिक होगा वो सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस के बारे में आप परिचित होंगे, सॉइल मतलब मृदा होता है, सॉइल विज्ञान, तो ये मृदा विज्ञान है। तो दोस्तों इसमें आपको केवल मृदा के बारे में अध्ययन करना होगा कि किस क्रॉप के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, किस मृदा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है, अगर वो सॉइल एसिडिक हो गई या अल्कलाइन हो गई या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसका हम सुधार कैसे करेंगे, किस क्रॉप के लिए कौन सा सॉइल सबसे उपयुक्त होता है। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस तरह आपको हर एक क्रॉप के लिए एक निश्चित डिफाइंड सॉइल होता है, वो सब का अध्ययन आपको सॉइल साइंस में करना होगा। इसमें सॉइल साइंस का आपको दोस्तों दो पार्ट है, एक पेडोलॉजी है एक एपोलॉजी है। तो दोस्तों जो पेडोलॉजी है उसमें आप सॉइल के ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे कि उस सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका पैरेंट मटेरियल क्या था, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे इंडियन सॉइल को 8 भागों में बांटा गया है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वो अगर रेड सॉइल है तो वो कहाँ पाया जाता है, ब्लैक सॉइल है तो कहाँ पाया जाता है, एलुवियल सॉइल है तो वो कहाँ पाया जाता है, इन सारी चीजों का अध्ययन आप पेडोलॉजी में करेंगे। जो आपका अगला टॉपिक होगा सॉइल साइंस में वो एडोफोलॉजी है, जिसमें आप प्लांट और सॉइल दोनों का अध्ययन करेंगे एक दूसरे के संबंध में, कि एक अगर कोई सॉइल है वो प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है और प्लांट सॉइल को कैसे इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर जहाँ ज्यादा प्लांट्स हैं वहाँ का सॉइल ह्यूमस होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एडोफोलॉजी में मिलेगा। तो सॉइल साइंस में आपको केवल दो ही टॉपिक पढ़ना होगा, एक पेडोलॉजी और एक एडोफोलॉजी में, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा आपका एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान, जिसमें आपको कीटों के बारे में अध्ययन करना होगा कि कीटों में कितने माउथ पाए जाते हैं, उनका माउथ कैसा होता है, अगर उनका माउथ किस प्रकार है तो वो किस काम के लिए यूज होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके एंटीना कैसे बना होता है, एंटीना का क्या काम होता है, उनमें कितने लेग्स होते हैं, वो लेग्स किस प्रकार के होते हैं, जैसे जंपिंग टाइप, रनिंग टाइप, और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एंटोमोलॉजी में पढ़ना होगा। ये जो आपको हम बताए हैं अभी कि वो उसका वो फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना होगा कि एंटोमोलॉजी के बॉडी पार्ट के रूप में।
जो एंटोमोलॉजिस्ट जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो प्लांट से संबंधित पूछा जाता है कि कौन सा इंसेक्ट किस प्लांट में और किस प्रकार इफेक्ट करता है और उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे कि जो गंधी बग है वो धान में लगता है और जो माहू है एफिड है वो आपका राय मस्टर्ड में लगता है। उसके कंट्रोल के लिए हम एक ये उपाय करते हैं कि उसकी मस्टर्ड की बुवाई हम अक्टूबर मंथ में करते हैं। जो कि ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको एंटोमोलॉजी में मिलेंगे। तो जो आपका अगला टॉपिक है वो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, मतलब कि जो इसमें पशुपालन के बारे में और दुग्ध विज्ञान के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। पशुपालन के बारे में आपको क्या अध्ययन करना होगा, तो पशुपालन के बारे में आपको काउ बुफैलो गोट शीप पोल्ट्री एंड स्वाइन के बारे में, उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके कौन से ब्रीड्स हैं, उनमें सबसे अच्छे दूध देने वाली कौन से ब्रीड्स हैं, अगर कोई दूध दे रही है तो उसमें फैट परसेंट किस ब्रीड का सबसे अच्छा है और किसमें सबसे ज्यादा है, और वो ब्रीड्स हैं जैसे कि काउ में है तो सारे काउ डुअल पर्पज भी हो सकते हैं और केवल दुधारू भी हो सकते हैं, और जैसे कि गोट में है तो कुछ मांसाहार के लिए यूज होते हैं, कुछ दूध के लिए होते हैं, कुछ डुअल पर्पज के लिए यूज होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में करना होगा। और जो डेयरी पोर्शन है इसमें आपको दूध के बारे में अध्ययन करना होगा कि अगर काउ का दूध है तो उसमें कितना वाटर पाया जाता है, उसमें कितना फैट पाया जाता है, उसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, ये सारी चीजों का अध्ययन आपको डेयरी में करना होगा। और इससे जो संबंधित चीजें हैं जैसे कि बुखारों से संबंधित जो भी अनुसंधान होता है उसका कहाँ स्थित है, जैसे कि आपका बुखारों से संबंधित जो भी अनुसंधान होता है वो आपका करनाल हरियाणा में स्थित है, और डेयरी से संबंधित जो भी है एनडीडीबी है वो भी करनाल में है। ये सारी चीजों का अध्ययन आप लोग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में करेंगे। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक है वो 11 नंबर है जिसमें आपको प्लांट पैथोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्लांट में होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम बता देते हैं कि आपको उन रोगों के बारे में क्या क्या अध्ययन करना होता है। तो दोस्तों जो है तो अगर आप किसी रोग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जैसे कि लेट ब्लाइट है तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि वो रोग किस प्लांट में है, किस प्लांट में लगता है। दूसरा उस रोग के बारे में आपको अध्ययन ये करना होगा कि उसका पैथोजेंस क्या है, जैसे कि लेट ब्लाइट के लिए आप उसको कार्सिफाई भी कह सकते हैं कि उस वो रोग किस कारण से लगता है, उसका पैथोजेंस क्या है। और अगला जो आपको होगा उस पैथोजेंस का नेम ऑफ पैथोजेंस, जो आपका अगला जिसमें किसी डिसीज के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो आपका होगा उसका कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में आप अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी में करेंगे। जो आपका अगला टॉपिक होगा वो 12 नंबर है जिसमें आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर में भी इंजीनियरिंग है, नहीं है। अगर ऐसा आपके मन में आ रहा होगा तो कतई ऐसा न सोचिए, एग्रीकल्चर में भी आपको इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करने को मिलेगा। कि एग्रीकल्चर में जैसे आप जुताई कर रहे हैं तो जुताई को इंग्लिश में टिलेज बोलते हैं, टिलेज के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं, कि प्राइवेट टिलेज इम्प्लीमेंट्स कौन सा है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स कौन सा है, इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करना होगा। इसमें साथ में ही प्लाव के बारे में मतलब हल के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि हल कितने प्रकार के होते हैं और उन हल का कहाँ यूज होता है। और आप जैसे कि एक हल है डिस्क प्लाव है, उसमें दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, उसका डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल। तो दोस्तों आप इसको अभी नोट कर लीजिए कि जो डिस्क एंगल होता है उसका 42 डिग्री से 45 डिग्री होता है, जो टिल्ट एंगल होता है उसका 15 से 25 डिग्री होता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करना होगा। तो दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक है वो 13 नंबर है जिसमें आप अध्ययन करेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में। दोस्तों इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बैंक से संबंधित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बैंक किस कार्य के लिए यूज होता है। जैसे नबार्ड है तो नबार्ड की स्थापना क्या कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसकी वो क्या काम करता है, ये सारे चीजों के बारे में आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अध्ययन करेंगे। साथ में ही आपका RBI है, SBI है,
आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है और बहुत सारे जो भी बैंक से संबंधित कारक होंगे और बैंक से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक के बारे में आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें जितने भी बैंक हैं उनके बारे में केवल ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उसकी स्थापना कब हुई थी, वो किस कार्य के लिए बनाया गया है, उसका हेडक्वार्टर कितना है, ये काफी होगा आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो 14 नंबर होगा जिसमें आपको अध्ययन करना होगा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के संबंध में, मतलब कि कृषि सांख्यिकी के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। दोस्तों इसमें आप लोग ये ना सोचिएगा कि हमको पूरे सांख्यिकी के बारे में पढ़ना होगा, केवल आपको एग्रीकल्चर के संबंध में सांख्यिकी का अध्ययन करना होगा। दोस्तों इससे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी कभी कभी एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए आप एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज अपने अंदर रखिएगा, एक बेसिक उसका पढ़ लीजिएगा कि मतलब कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में लगभग जो सिलेबस बेसिक है उनको आप अध्ययन करे रहिएगा, जिससे कि बहुलक है, माध है, माध्यिका है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो बन जाना चाहिए। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो सॉरी अगला टॉपिक है वो 15 नंबर टॉपिक होगा जिसमें आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में अध्ययन करना होगा। दोस्तों ये कोई नई टॉपिक नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर के संबंध में जितने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं उन सारे प्रोग्राम के बारे में अध्ययन करना होगा कि उस प्रोग्राम को किसने चलाया, वो प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए और किस लिए बनाए गए, इन सारी चीजों का अध्ययन आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में करेंगे। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीडीपी की स्थापना, सीडीपी का प्रारंभ कब हुआ था, तो दोस्तों सीडीपी का प्रारंभ 1952 में हुआ था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट पूछा गया था जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो 15 नंबर है जिसमें आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा। तो दोस्तों एक्सटेंशन एजुकेशन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा, आपके लिए नया टॉपिक होगा। दोस्तों ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर के संबंध में जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं उन सारे के संबंध में आपको अध्ययन करना होगा कि वो सारे प्रोग्राम जो भी चलाए गए हैं उसको चलाने वाला कौन था, उसको शुरुआत कब किया गया था और वो किस लिए चलाए गए थे, इन सारी चीजों का अध्ययन आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना होगा। जैसे कि एक प्रोग्राम है सीडीपी, समुदाय प्रोग्राम है जिसमें कि मतलब कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको फुल फॉर्म के रूप में है, जिसको पूछा गया था कि ये कब चलाया गया है, तो ये 1952 में चलाया गया है। जो अगला क्वेश्चन इस तरह से मतलब जो एक्सटेंशन एजुकेशन पूछे जाते हैं, एक अगला क्वेश्चन है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी या इटावा पायलट प्रोजेक्ट का इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन से आते रहते हैं जो कि एग्रीकल्चर के संबंध में चलाए गए हैं, और इसमें नॉर्मली ये भी पूछा जाता है कि इसको चलाने वाला कौन था। जैसे एक है लैब टू लैंड प्रोग्राम जिसको ICAR के द्वारा चलाया गया था, ऐसे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना होगा। आने वाले वीडियो में आपको ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल रूप में मिलेगा कि इसको चलाने वाला कौन था, इसको कब चलाया गया और ये किस लिए चलाया गया, ये सारी चीजों को आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में हम जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम अच्छे से बहुत गहराई से बताएंगे। वो सारे जो हम बताएंगे वो BHU में आने की संभावना के चांस ज्यादा है। जो आपको जो अगला टॉपिक है वो 16 नंबर है जिसमें आपको एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में अध्ययन करना होगा। दोस्तों एग्रोमेट्रोलॉजी मतलब आपको मौसम विज्ञान के बारे में अध्ययन करना होगा, इसमें आपको ज्यादातर क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करना होता है, क्लाउड के बारे में अध्ययन करना होता है और एटमोसफियर के बारे में अध्ययन करना होता है। दोस्तों एटमोसफियर से एक दो क्वेश्चन BHU में नॉर्मली आते रहते हैं, जैसे कि सबसे गर्म परत कौन सा है, सबसे ऊपरी परत कौन सा है, सबसे निचली परत कौन सा है, ऐसा कौन सा परत है। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक है वो 16 नंबर है जिसमें आपको एग्रोमेट्रोलॉजी के संबंध में अध्ययन करना होगा। एग्रोमेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान के संबंध में अध्ययन करना होगा, इसमें आप लोगों को नॉर्मली क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना होगा। जनरली जो आपका एटमॉस्फेयर है उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पूछा जाता है कि सबसे गर्म वाली परत कौन सी है, सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सबसे निचली परत कौन सी है, ऐसा कौन सा परत है जिसमें सबसे ज्यादा मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसा कौन सा परत है जिसमें सबसे कम मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, इस बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्रोमेट्रोलॉजी से पूछे जाएंगे। साथ में ही एग्रोमेट्रोलॉजी में एक क्लाउड
वादक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे जो टॉपिक आपको बताया गया है, तो 16 टॉपिक है जिसमें से कि जो कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, जिसका आपको अच्छी गहराई से हम अगले वीडियो में मतलब कि सिलेबस में बताया जाएगा आपको। और ये जो सारे जो वीडियो हैं आपको एग्जाम होने से पहले ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप इस चैनल में बने रहिए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो बीएचयू पाठशाला को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।